स्क्वायर यानी मुरब्बा। स्क्वायर से मुराद किसी भी अदद को उसी से ज़रब देकर जवाब हासिल करना है। जब आप किसी अदद को उसी से ज़रब देते हैं तो जो जवाब आता है उसे उर्दू में मुरब्बा और इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जीरो को जीरो से ज़रब देंगे तो जवाब जीरो आएगा, यानी जीरो का मुरब्बा भी जीरो ही है। वन का मुरब्बा या स्क्वायर वन ही है, क्योंकि जब आप वन को वन से ज़रब देंगे तो जवाब भी वन आएगा। दो का मुरब्बा चार होगा, यानी दो को जब दो से ज़रब देंगे तो जवाब चार आएगा। तीन का नौ होगा, यानी तीन ज़रब तीन नौ, यानी कि तीन का मुरब्बा नौ है। जब आप चार को चार से ज़रब देंगे तो जवाब सोलह आएगा, यानी चार का मुरब्बा सोलह है। इसी तरीके से आप किसी भी अदद को जब उसी से ज़रब देंगे तो जवाब आने वाला जवाब मुरब्बा कहलाएगा। इसी तरीके से जब आप किसी मुतगैर को उसी से ज़रब देंगे तो जवाब उसका मुरब्बा हासिल होगा, यानी जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब ए का मुरब्बा आएगा। जब आप बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब बी स्क्वायर आएगा।